सबसे बड़ा क्वेश्चन इज कि करप भाई जो है अभी बाहर वाले बने हुए हैं, स्पेशल पावर यह है कि वो किसी को भी नॉमिनेट कर सकते हैं। तो भैया से पहले पूछेंगे, भैया तो पूरी फैमिली को पकड़ लिया हमने, बिग बॉस देख रही है पूरी फैमिली की, भाई यही चलता है पूरा दिन, ये चलता है यहाँ पे तो। बच्चे भी इंटरेस्टेड है फुल फुल, पावनी मजा आ रहा है आपको? पावनी सो तो नहीं, स्कूल स्कूल स्टार्ट हो गया ना आज। अच्छा हां, तो आज ये था कि हां भाई तेरे को मजा आ रहा है? ओए मगर हां जी चाचू जी मनीषा जी, पौलमी दास और वो जो तीसरी बंदी है, कौन है तीसरी? मनीषा, पौलमी और एक और है चंद्रिका। चंद्रिका तो बाहर वाले को ये मिला है कि वो उनमें से एक को निकालना है, पर फिर भी लाइव वोटिंग चल रही है। भाई फुल मजा आ रहा है, हमारा तो रोज का स्केड्यूल अभी यही है, बैठ के इनको देखो, आधे बंदे कुछ कर नहीं रहे, आधे बंदे तो ऐसे डेड है कि पता नहीं क्यों है शो में, क्या है क्या नहीं है। तीन चार दिन तो बिल्कुल डेड है। भाई सबसे बड़ा क्वेश्चन है करप भाई को, थोड़ा सा मंदा करना भी एक बार, पौलमी दास को करेगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन इज कि करप भाई जो है अभी बाहर वाले बने हुए हैं, स्पेशल पावर यह है कि वो किसी को भी नॉमिनेट कर सकते हैं। तो भैया से पहले पूछेंगे, भैया किसको करेंगे? भाई मजा आ रखा इस टाइम तो। हाँ बेटा बोल रहा था ना, जैसे उसको अगर दोस्त नहीं मानी है तो सच्चे दिल से निभाओ, हेलो आ जाओ बिग बॉस देख रहा तू? ओए इसका इसका अपना बिग बॉस चल रहा अलग। ये साइकिल पे चलना है करचित, साइकिल चला दे, पैडल से पैडल पैडल पैडल, इसको आपको बचाना, चले चलो। ओ तू क्या खाएगा है छोटू? सूख ले लोग। वैसे ना नहाने की वो तो हमारे ग्रुप में है ही, देखो कई कई बार हम लोग स्किप कर देते हैं। वहाँ अंदर 24 घंटे एसी भी तो चलता है। अर्चित तो जीत जाएगा अगर बिना नहाने वाला कंपटीशन हुआ तो। अर्चित वैसे अगर तेरे को कीचड़ वीचड़ वाला टास्क, इधर है बैठना, इतनी दूर तो है, देखो अगर ऐसा करेगी कीचड़ डालनी है तेरे ऊपर, गोबर डालना है, डलवा लेगा? गोबर नहीं भाई, पानी वानी बस। और मान लेकर कह दी कि डलवाना है, जरा देखो तो मर जा। ये भैया आपको लगता है कि अगर इससे कोई कह दे कि भाई 2 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे बाहर जाने के लिए, दे देगा? 2 करोड़ की बात ही नहीं हुई, तूने कहा कि कीचड़ अंदर, अगर मैं घर के अंदर चला जाऊं और एक कीचड़ वाला टास्क हो वाली बात ही है। अबे तो अच्छा आपको क्या लगता है अगर फॉर एग्जांपल भगवान न करे अगर करप भाई को यूं बोले कि करप भाई यूं कहने लगता है कि भाई मैं बाहर जा रहा हूं बाहर जा रहा हूं, बिग बॉस कहे आपको 2 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे, तो ये हां भर देंगे? ना भाई। तभी तभी सर मेरे हां मना कर देगा भाई, इसको जाना है, ले भाई वो पी पानी, पी पानी, पानी पी लेना, आप 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 पकड़ो। बाकी भाई कल बहुत बढ़िया करा इसने, कर अपने अच्छा जी नॉमिनेशन टास्क में, उसमें तो उसको दवाई दिया उसने, पूरा देख रहे हो आप, तो भाई देखना तो पड़ेगा हमारा, हमारे घर का बंदा सुबह 4 बजे सो रहा है, हमारे घर का बंदा क्या हुआ है, इनके साथ चल रहा मेरा रूटीन भैया तो हाँ काम पे भी भाई लेट जाता हूँ, ये भी देख रहा है इसका दांदा पावनी का। हाँ जी बच्चों के साथ साथ नाइस क्यूट भाई, सब लोग एक्साइटेड है, देख घर का बंदा क्या हुआ है, घर का पहला बंदा, घर का भाई पहला बंदा अभी पूरा है ना। हाँ भाई सब पहला बंदा है पूरे घर परिवार सब में,
भाई प्राउड फील तो कराया देखो हमारे लवकेश भाई ने पूरी फैमिली को, कि पूरी फैमिली से पहला बंदा इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे गया तो भाई काफी बिल्कुल बिल्कुल पूरे गुरुग्राम पूरे हरियाणा में। पर ये कि भाई आप लोग भी इतने प्यारे हो कि आप लोग जब भी हम आपको मिलते हैं अंकल आंटी कोई भी मिलता है तो आप लोग इतना प्यार दिखाते हो इतना सम्मान दिखाते हो, उसके लिए भाई बहुत बहुत शुक्रिया। और बाकी सपोर्ट ऐसी बनाए रखना। थोड़ा सा टास्क देख लेते हैं, कुछ खा पी लेते, उसके बाद आपसे बात करेंगे। अभी अभी वो चल रही है इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हमको मिली, कल के टास्क के बाद राशन, क्या कल के टास्क के बाद राशन बाहर वाले की वजह से आया है भाई घर में। कल अपनी टीम जीत गई, अपनी टीम जीत गई, सबको थैंक्स। और राशन आया हमारे बंदे की वजह से। अच्छा, क्योंकि उसको पावर थी कि इन तीनों के अलावा आपको ही पावर है कि आप मंगा सकते हो पूरे घर के लिए जो भी। okay. उन्होंने अपने अपनी तरफ से जो भी मंगाया था उसने वो ना छोड़ के सबके लिए पूरे घर वालों के लिए जो परफेक्ट हो ना वो मंगाया है, और सारे घर वाले खुश भाई, लड़का सब खुश थे भाई, ए टू जेड। रणवीर सिंह, रणवीर जी को छोड़ के इनका चिकन और अंडा कुछ नहीं आया, अंडे आए पर एक क्रेट आई है खाली भाई। यार क्या होता है ग्लूटेन फ्री आटा, तो वैसे ग्लूटेन होता है, गेहूं में मेरे ख्याल से इसमें ग्लूटेन फ्री में वो नहीं होता। तो फिर ये कैसा आटा हुआ? ग्लूटेन फ्री होता ना, गेहूं में ग्लूटेन होता है। हां, और सर ग्लूटेन को अगर निकाल देते ग्लूटेन फ्री आटा, हां केमिकल वो खा रही है सना मकबूल खा रही है। ओ माय गॉड, हरियाणा आ जाइयो भाई, सना तेरा सारा सही कर देंगे, बिल्कुल सही करके भेजेंगे। अपना दूध छाछ दही अपना एक लस्सी एक नंबर, हरियाणा में परफेक्ट कर देंगे, अंगा आकड़े मुकड़े सब खिला के परफेक्ट कर देंगे, कोई बीमारी ना रही की तरह। अभी स्पेशली बना के लाई है तेरे लिए, और तू ड्रामे कर रहा है, बता भाभी क्या बना दी, ओम से मंगाया और भाभी क्या बना दी। खाले खाले ना वाला तेरा वेट था। और क्या दही तो है, खा मीठा में जिम में बराबर कर देगा, एक्स्ट्रा वर्कआउट कर लिया और करना पड़ेगा। हाँ भाई, ऊपर आएगा तो चलाते हैं। तो मैं एक घंटे के वोटिंग ट्रेंड जो फॉलो, एक घंटे तक स्टेपर को चलाते हैं तो मैं एक घंटे के वोटिंग ट्रेंड को फॉलो करूंगा, और तब वो बॉटम टू, और तब जो बॉटम टू है उसमें से एक होगा बाहर वाला, मतलब स्टेपर्स है उनको, इनको लगातार चलाना होगा एक मिनट, और तब जो बॉटम टू है उनमें से एक को, हमने एक साफी भी बिछवाई थी लोकेश के लिए, नंबर थ्री। दो घंटे तक स्टेपर को चलाते हैं तो मैं दो घंटे के वोटिंग ट्रेंड को फॉलो करूंगा, स्टेपर चलाने हैं कि एक घंटा अगर चलाएंगे तो एक घंटे के स्टेप वोटिंग्स को वो काउंट करेंगे, अगर दो घंटे लगातार स्टेपर्स को वो चलाते हैं तो वो काउंट होगा। तीन घंटे तक स्टेपर को चलाएंगे तो फिर तीन घंटे के वोटिंग ट्रेंड को फॉलो करते हुए जो बॉटम टू है उनमें से एक को बाहर वाला आज घर से बाहर कर देगा। ओके, तो रूल सिंपल है, जब तक घर वालों के पैर चलेंगे इन तीनों वोटिंग चलेगी। एग्जैक्टली, अब बॉटम थ्री पहाड़ पर चढ़ जाए, बहुत डिफिकल्ट टास्क है। बॉटम टू यानी कि मुनीशा और पोलोमी दरवाजे के सबसे करीब वाले स्टेपर पर, और चंद्रिका उससे अगले वाले स्टेपर पर। साइकिल चलानी है यार, स्टेपर है कि साइकिल अभी पता चलेगा हमें, इसलिए इनको स्टेपर पे चलना होगा। अभी तो मैंने एक ही स्टेपर देखा था, ऐड आ गई ठीक है, और वहाँ लावा सा बड़ा सा वो कर रखा था और तीन आग की गोली उनके बीच में स्टेपर रखा था, और ये लोग सब चढ़ चढ़ के देख रहे थे स्टेपर पे, और इट्स अ काइंड ऑफ अ स्टेपर जो जिम्स में होता है, मतलब सपोर्टिव, सपोर्ट वाला भी नहीं है वो, बिना सपोर्ट वाला है। दिखाऊंगी आपको, समझ जाओगे आप लोग किस तरीके का स्टेपर है, कैसा क्या है। सो टास्क तो होने वाला है,
खतरनाक, बहुत खतरनाक टास्क होगा। और अभी ये लोग लाइक डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे क्या है, कौन किसको कहाँ खड़ा होना है एंड ऑल दैट। पहला स्टेप पर है ये, और ये काफ़ी हार्ड है। वो खुद बोल रहे हैं कि 5 मिनट से ज़्यादा जो है कोई स्टेप पर चला ही नहीं पाएगा, 5 मिनट से ज़्यादा। तो उन सबको बारी बारी ही करना पड़ेगा। लेट्स सी कि कौन कितने घंटे करता है। और यहाँ ये लोग चेक कर रहे हैं कैसे क्या होगा, क्या नहीं होगा, रुकना नहीं चाहिए। और वो लोग चेक करके देख रहे हैं कि कौन कैसे जाएगा, क्या नहीं जाएगा, नॉल करके। लेट्स सी क्या होगा। बाकी मैं थोड़ा एक बार पावली को उठाया हूँ, सो रही है, और मम्मी को भी बताती हूँ कैसे से टास्क हो रहा है। तो इस रूम में आप आ जाओ ताकि जो है देख पाए क्या हो रहा है क्या नहीं, क्योंकि मुझे किचन में जाके काम भी करना है, अभी खाना बनाना है, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। और ये कंटेस्टेंट तीनों जो है ऊपर चढ़ चुके हैं, अपना ले लिया है। अभी बिग बॉस चला हुआ है और पवनी अभी सो रही है ना, वो सो रही है अभी ना, स्कूल से आई थी, ये सो गई आराम कर रही है। रात को लेट सोती है, बिग बॉस खत्म होने के बाद 11 बज जाते हैं इसको, हमें तो पता नहीं क्या क्या बज जाता है, सो ही नहीं पा रहे, क्या करें। थोड़ा दिन इसमें कुछ देखते रहते हैं ऐसे। कोमल अभी क्या कर रही है, कोमल क्या कर रही है? तो मैं भेजपुरी की तैयारी कर रही हूँ, उसके बाद बनाऊंगी। तो काम भी कर रहे हैं, बिग बॉस भी चल रहे हैं, ये समझ नहीं पा रहे ये टास्क क्या मिला हुआ है इनको ना। मतलब वोटिंग लाइन जो है खुल चुकी है, बट इनको नहीं पता है वोटिंग लाइन खुल चुकी है, उनको समझ नहीं आ रहा है, तो बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। ये खुद बात कर रहे हैं कौन किसका क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। एक बार और पढ़ना चाहिए ढंग से। और रणवीर जी अंदर बैठ के समझाते रहे उनको, भाई किसी को खानी है बिग बॉस देख रहे, फिर भी आ जाओ मस्त भेलपूरी बना के खिलाएंगे। हमारा तो घर ही बेग बात, बेलपुरी को वो भी बोझ बना हुआ है कि पूरा दिन थोड़ा बड़ा खा लिया, फिर टीवी देख लिया, फिर खा लिया, फिर भी बोझ चला लिया, वजन बढ़ाएगा बिग बॉस हमारा। पूरा दिन देखते हैं और खाते और कुछ नहीं करते भाई, एक्स्ट्रा काम तो होते हैं हमारे, एक्स्ट्रा काम। हाँ वो कहाँ जा रहा था, मैसेज चल रहा है मनीषा जी के लिए। और हम लोग भी किसको जाते हो बताना, किसको बताना चाहते हो आप? मनीषा मुन्नी जी, उसका नाम इतना अच्छा लगता है, इतने प्यार से लवकेश ने नाम दिया है मुन्नी जी, बड़ा अच्छा लगता है। हम लोग जेन्युइनली इनको बचाना चाहते हैं, और लवकेश जो है मनीषा जी के लिए चल रहा है। लेट्स सी कितनी देर तक वो चल पाता है, क्योंकि स्टेपर पे चलना इज़ वेरी हार्ड, क्योंकि उसमें वेट है, और वो नीचे जाना इज़ लाइक बहुत मेहनत चाहिए भाई, बहुत मेहनत चाहिए, ठीक है। तो गाइस भेलपूरी हमने बिल्कुल साफ कर दी और अब मैं बनाऊंगी अपनी तोरी। सब्जियां मैंने काट दी है, तोरी के लिए इन प्लेट्स के कवर कर लिया था, और अभी मैं चला रही मेरा पंखा। हाँ क्या हवा ये, पापा जी ने लगाया था स्पेशली हमारे लिए पंखा किचन में, कि तुम लोग गर्मी में काम करते हो, तो मतलब सब्जी काटते वक्त और बर्तन बर्तन धोते वक्त तो आप लोग लाइक फैन का यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा पंखा जो हमें बहुत अच्छा लगता है गर्मियों में, सर्दियों में नहीं, सर्दियों में तो चलाते ही नहीं। खैर ठीक है, तो गाइज अभी थोड़ी देर में आपको मिलेंगे, जैसे क्या होगा, कौन नॉमिनेट होगा पता, नॉमिनेट मतलब कौन एलिमिनेट होगा, तो उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा, तो थोड़ी देर में मिलेंगे आपसे। तो भाई हम तो ऐसे ही बिग बॉस देखते रहेंगे, आप लोग भी ऐसे ही बिग बॉस देखते रहो, 24 घंटे देखो, ताकि पता लगता रहे कि अपना भाई क्या कर रहा है। बाकी अभी टाइम आएगा जब वोटिंग करनी होगी, या फिर बॉस मीटर जैसे आएगा, हम लोग आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे कैसे क्या कुछ करना है, है ना भाई। तो भाई यही लास्ट में बोलूंगा, करप भाई को पूरा पूरा सपोर्ट करना, और जैसे जब भी हम बोलेंगे भाई वैसे वैसे आप सपोर्ट कर देना। बाकी वोटिंग आएगी तो भी आपको बता देंगे, डिस्क्रिप्शन में करप भाई के इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ पर जाके फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा अपडेट हम बहुत जल्दी दे सकते हैं, तब वहाँ पे थोड़ा एक्टिव रहो। और बाकी भाई आपसे मिलते हैं सीधा नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तब तक ले टाटा बाय बाय।